हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि दिसंबर का महीना चल रहा है। अगर आप इंडिया में नॉर्थ पार्ट से बिलोंग करते हैं तो ठंड किस मुकाम पे पहुंच गई है, इस सब चीज़ से आप अवगत होंगे। जैसा कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ तो टेम्परेचर कई बार, अगर प्लेन्स इलाके की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड के प्लेन्स इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। तो इस समय आप अपनी बर्ड्स का किस तरह से ख्याल रखें, और जैसा कि दाने में तो आप ज़रूरी आप उनको गर्म सीड मिक्स दे रहे होंगे, लेकिन सॉफ्ट फूड भी इस बीच में अगर आप लंबे पीरियड तक नहीं देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप मेथी के पत्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें, या आप फोटोज़ में देख रहे होंगे इस तरह से कुछ होता है। ये देसी वाली मेथी है जिसका पत्ता जो है छोटा है, अगर ये हाइब्रिड होती तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो मैंने प्रेफर की है देसी मेथी, और ये मैंने इनको दे दी है। और किस तरह से ये बजीज कितने चाव से इन्हें खा रहे हैं, और कोशिश करिए कि अगर ज़्यादा ही गंदगी आपको दिखाई दे रही है तो एक बार वॉश करके हल्का सा सुखा लें, क्योंकि अगर आप वैसे ही डाल देंगे तो पत्ते सड़ने गलने लगेंगे और पानी की क्वांटिटी है बर्ड्स के अंदर ज़्यादा जाएगी। अगर ज़्यादा जाएगी तो लूज़ मोशन की शिकायत हो सकती है और ठंड लगने की भी परेशानी हो सकती है। और आप जैसा कि मेरा सेटअप देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मैंने जानबूझ के सफाई नहीं की है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो भी हम गिनारा या फिर ककनी वगैरह या फिर पैडी वगैरह देते हैं तो जो उसका जो हस्क होता है, उसकी जो भूसी होती है वो नीचे फैल जाती है। उससे होता ये है कि जो बर्ड्स जब नीचे आता है, क्योंकि मेरे नीचे तो सीमेंट का फर्श है तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ये भूसी वगैरह क्या होती है, एक तरह का एक हीटिंग मीडियम क्रिएट कर देती है। तो इसलिए मैं विंटर के सीज़न में खासकर, वैसे तो मैं सफाई का ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर इसकी सफाई वगैरह नहीं की है। और कोशिश करें कि पानी कम से कम क्वांटिटी में दें, और औरों की तरह से आप समय के शाम को करीब आप 6 से 7 बजे के टाइम पानी निकाल ही दें हर हालत में केस से, और सुबह जो पानी दें तो हल्का गुनगुना दें, एकदम से चिल्ड ठंडा पानी या नॉर्मल, क्योंकि पानी अगर आप टैप से भी निकालेंगे तो वो थोड़ा सा तो ठंडा हो गई, तो कोशिश करें कि पानी को हल्का सा गर्म करके दें। तो ये देखिए किस तरह से जावा और फिंच मैंने एक ही सेटअप में डाल रखी है, तो ये किस तरह से चाव से खा रही है। और ये आप जो भी आपके पास बर्ड्स हैं, बजीज हो, इधर आपके पास लव बर्ड्स हो, फिंचेस हो, जावा हो, कॉकटेल्स, मतलब जो भी आप एग्जॉटिक बर्ड्स पालते हैं उनको सॉफ्ट फूड विंटर में मेथी का साग आप ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि मेथी की जो तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो आपको वैसे ही पता होगा कि गर्मी में आप जाड़ों में आपने देखा होगा कि मेथी के दाने के लड्डू लोग खाते हैं जाड़ों में, क्यों खाते हैं, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। तो उसका जो साग है उसकी भी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, और विंटर का, और जो भी ऊपर वाले ने जो भी सब्ज़ी या जो भी फल या जो भी वेजिटेबल्स जिस सीज़न में आते हैं वो उस सीज़न की तासीर को काटने के लिए होता है, क्योंकि मेथी आपने देखा होगा कि विंटर सीज़न में ही आती है, और विंटर सीज़न में आप मेथी खाएंगे तो आप को ये हीट प्रोवाइड करवाएगी, आपको गर्म रखेगी। तो इस चीज़ का आप अपने बर्ड्स के ऊपर भी ज़रूर अमल करें, और खाने में मेथी का साग इस समय बहुत आ रहा है मार्केट में, आप दे सकते हैं। हो सकता है कि आप इंडिया नहीं और कहीं से व्यू कर मेरा चैनल देख रहे होंगे, तो आप इस तरह से आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो प्लीज़ अगर आपके जगह पे मेथी के साग को किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उससे होगा ये कि हमें हेल्प हो जाएगी, कि हमें और लोगों को भी मदद हो जाएगी कि शायद वो मेथी के नाम से इसे ना जानते हो, क्योंकि कई जगह मैं बहुत से चैनल व्यू कर, कई जगह इसे लूसन भी बोलते हैं शायद, मगर मैं सही कह रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने डाला है अपने कॉकटेल्स को, और कॉकटेल्स भी कितने चाव से इन्हें खा रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसे कोई पसंद नहीं करता, ग्रीन वेजीज अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छी तरीके से, साफ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से आप प्रोवाइड कराएंगे तो आपकी जो बर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी चाव से उसे खाएगी। और सॉफ्ट फूड अगर आप अपने बर्ड्स को टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो आपकी बर्ड्स कभी भी अनहेल्दी नहीं रहेगी, आपकी बर्ड्स हमेशा
हेल्दी रहेगी, क्योंकि इससे होता है क्या है, अगर आप ग्रीन वेजीज देते हैं ये एज अ नेचुरल लीवर क्लीनिंग एजेंट काम करता है, आपको मेडिसिंस वगैरह ज़रूर अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लीवर क्लीनिंग के लिए, क्योंकि हम जो भी सीड मिक्स उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं वो ज़्यादातर फैटी होते हैं। आप गिनाना लीजिए, अगर आप सूरजमुखी ऐड करेंगे तो उसमें विटामिन ई नो डाउट ज़रूर होता है, लेकिन उसमें ऑयल के कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपके बर्ड्स के अंदर हो सकता है कि आपका बर्ड्स इनडाइजेशन का शिकार हो जाए। और ये देखिए, मैंने बार बार अपनी देसी मुर्गियों को भी डाल दिया है, तो वो भी कितने चाव से खा रही है। तो आपके पास जो भी बर्ड्स हो, आप उनको साग और मेथी जो भी ईजिली अवेलेबल आपके पास हो आप दे सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट फूड आप तो दे ही रहेंगे, गेहूं वगैरह क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि गेहूं क्या होता है वो काफ़ी क्वांटिटी में पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और ठंड के टाइम पे आप दे जरूर लेकिन कम दे, गर्मी में क्वांटिटी हम उसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि कम गर्मी में होता ये है कि आपकी बर्ड्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन ठंड में ऐसा नहीं है, ठंड में क्या है कम से कम पानी की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप अगर आपके बर्ड्स में पानी तो दे ही जरूर दें, क्योंकि बर्ड्स तो पानी पिएगा ही, ऐसा नहीं पिएगा, और पीना भी चाहिए उसे, तो गुनगुना दीजिए और कोशिश करिए 6 से 7 बजे के टाइम शाम को आप पानी निकाल दें। सुबह भी कोशिश करिए, अगर मौसम सही है तो जल्दी दें, अगर हल्का सूरज निकलने वाला तो 8-9 बजे तक आप पानी दे सकते हैं। और सीड मिक्स में आप, मैं फिर से एक बार बता दूं, आप गिनारे के साथ बाजरा जरूर दें, क्योंकि बाजरे की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। सनफ्लावर सीड्स मिला सकते हैं, कुसुम दाना मिला सकते हैं, लाल कंगनी मिला सकते हैं, ये सब आप एडिशनल दें, ज़रूर दें। तो और ख़ासकर अगर छोटी बर्ड्स हैं तो आप अलसी का बीज होता है, अलसी का बीज हो गया, तिल का बीज हो गया, आप दे सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट फूड में मेथी अब ठंड हो रही है तो आने लगी है मार्केट में, ये ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप कम से कम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा से ख़रीदा आपने डाल दिया, इतना ही दें कि आपकी बर्ड्स आप विद इन हाफ एन आवर और एक घंटे के अंदर उसे फिनिश आउट कर दें, क्योंकि जब आपका जो सॉफ्ट फूड बचा रहेगा केज के अंदर, क्योंकि उसमें क्वार्टर कंटेंट तो होता ही है, तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, अगर आप इसी तरह से छोड़ देंगे तो कोई ना कोई बैक्टीरिया जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जो बर्ड्स हैं उसको अफेक्ट करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारा चैनल आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो तो हमारे चैनल तुलांचल बर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे उसके बाद ऑल जरूर कर दें, उससे होगा ये कि जब भी हम कोई अपडेट्स डालेंगे, भाई पोस्ट डालेंगे या फिर कोई स्टोरी डालेंगे, जो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले, और आप हमारी चैनल उत्तरांचल बर्ड्स के साथ जुड़े रहेंगे, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ इस मेथी साग को या मेथी को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, अगर मेथी के नाम से जाना जाता है तब भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेथी के नाम से जाना जाता है, और किसी नाम से जाना जाता है तो वो भी आप ज़रूर बताएं, इससे होगा ये कि हमारे जो और भी भाई लोग हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।